हाय दोस्तों, बांग्लादेश दौरे के लिए हुआ टीम इंडिया का चयन, किसको लिया गया टीम में और किसको दिखाया टीम से बाहर का रास्ता, बताएंगे आपको टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बीसीसीआई ने आगामी बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड की घोषणा कर दी है। सामान्यतः रोहित शर्मा को कैप्टन और केएल राहुल को उपकप्तानी दी गई। न्यूजीलैंड में T20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश जाएगी और वहां 4 दिसंबर को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी। इस दौरे पे 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। अब बात करते हैं वनडे सीरीज के लिए चुनी गई 16 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर और राहुल त्रिपाठी को टीम में लिया गया है। ऋषभ पंत और ईशान किशन के तौर पर 2 विकेट कीपर्स बल्लेबाजों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स के रूप में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को लिया गया है। साथ ही बॉलिंग अटैक के लिए मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, दीपक चहर और यश दयाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्या इससे और बेहतर टीम बनाई जा सकती थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक फादर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।